राम राज का कल्पना कर रहे हैं, राम आ रहे हैं, तो या तो अपराधी लुटेरा ये सब तक गैंग कौन बन, गैंग मास्टर हो गए हो, ऐसे कुपात्रियों का बड़ा टीम बन चुका है भारतीय जनता पार्टी, रेपिस्ट है। और हाल और चाल दिख रहा है कि यह देश के दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार यहाँ पर चल रही है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है बिल्किस बानो पर, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। जो मामला गुजरात कोर्ट में चल रहा था उसे फिर से महाराष्ट्र में भेजा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ही इसको रखा गया था। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी नेता स्वामीनाथ जायसवाल हैं, सीधा उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे इनका क्या कहना है। बड़ी खबर आपने सुबह सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है बिल्किस बानो मामले में, क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा बधाई देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से अनजस्टिस हुआ था उस अपराधियों को, जिस तरह से सरकार के साजिश के तहत छुड़वाया गया, उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया गुजरात में, तो यह देश की दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार यहाँ पर चल रही है जो अपराधी और जितने रेपिस्ट है उनसे साठ गांठ वाली सरकार है। चाहे बनारस वाली घटना हो, उत्तर प्रदेश के एक जो विधायक था 25 साल का सजा हुआ, तो जितने पापी हैं, दुराचारी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, सबको सजा होनी चाहिए। अच्छा। जिस तरह से बेटियों का निरंतर उत्तर प्रदेश नंबर वन बेटियों के बलात्कार में उत्तर प्रदेश जिस तरह से राम राज का कल्पना कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश ही सबसे पहले NCR के रिपोर्ट में आया है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नारियों का अपमान यानी उनके साथ बलात्कार से लेके घटना जितना घट रहा है, उत्तर प्रदेश नंबर वन हो गया है। जो बाबा बुलडोजर का बुलडोजर चलने की बात करते हैं, वो लखनऊ में एक ऑफिसर की बेटी को जिस तरह से गाड़ी में, तो बिल्किस बानो की बेटी का हत्या किया गया, उसके सामने रेप किया गया, और उसके बाद उनको 15 अगस्त को छोड़ दिया जाता है। इसको जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट को बहुत, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देते हुए, उन सजा होनी चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए, उनको जेल नहीं होना चाहिए जिस तरह से उसके साथ दुराचार किए थे। ये बहुत बड़ी बात हुई है, आज उसका एक स्वाभिमान जागा, कम से कम उसको न्याय का एक लक्ष्य लगा कि हमको न्याय मिलेगा। और यह कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया है, उसी तरह उन सब अपराधियों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से लोगों के अंदर भावना बढ़ते जा रहा है, एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ नारियों के सम्मान का, लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री देश के हर नारियों के सम्मान की बात करते हैं। हम मणिपुर देखी जो दुर्घटना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार में, निरंतर राजस्थान में वो कंट्रोल नहीं हो रहा, रोज कुछ ना कुछ दुराचार हो रहा है। तो आप जिस तरह से सिस्टम कहते हो कि राम राज का कल्पना कर रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम तो आपके हृदय में बसते हैं, हमारे इच्छाओं में है, मनन में है, क्रिया में है, हमारे कलापों में है। उस राम को ईंट चार दीवारी में बांध के नहीं रख सकता, राम तो सर्वत्र है, तुमने हम में खड़म कम में, लेकिन उस राम के विरासत नहीं, जो महिला सम्मान राम ने किया था, और जिस एक पत्नी के लिए वो जिस तरह से रावण का वध अपने सम्मान के लिए वो समुन्दर बनाकर लांग कर जाकर उसके बाद वध किए थे, तो इस दुराचारियों का वध करने के लिए राम कौन खड़ा होगा? तो ये देश का जनता जानना चाहता है कि जिस तरह से राम का कल्पना कर रहे हैं कि राम राज आ गया, तो राम राज क्या? राम राज में सबसे ज्यादा कुपात्री भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, ये सब वही क्यों निकलते हैं? वो उन्हीं के मुंह से निकलता है कि हम राम राज का कल्पना कर रहे हैं। राम राज में यही होता था कि नारियों का अपमान करो, नारियों को बलात्कार करो। जिस तरह से IT सेल का उसका अध्यक्ष है बनारस का, वो लड़के 60 दिन के बाद पुलिस जागती है, वो मीटिंग करते हैं, मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार करते हैं। उसके बाद रामलाल गोंड की बात हुई, जो मेंबर ऑफ असेंबली रहता है, विधायक रहता है, उसके बाद चिन्मयानंद हो, चाहे सिंगर हो, या कई ठो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कई स्टेट के मंत्री, यही तो राम राज्य है। अब किसी को नहीं बख्शा जा रहा ना, वो भाजपा का ही क्यों ना नेता हो, कहाँ बख्शा जा रहा है? हाँ। भाजपा का नेता था तो कहाँ हो रहा है? बुलडोजर कहाँ चला? बुलडोजर की बात होती है ना, अरे बहन जी, बुलडोजर की बात होती है, और बुलडोजर चला क्यों नहीं? एक बुलडोजर तो चलाने के लिए जिस तरह से एक आम एक जाति का टारगेट करके उस पर बुलडोजर चलाया जाता है, जहां देखिए अगर वहीं पर कोई मुस्लिम नाम आ जाता, चाहे अभी देखिए एक मेल का घटना आप सुनी होगी कि एक मेल भेजा गया देवेंद्र तिवारी के द्वारा, और उसमें मेल भेजने वाला कौन है? ओम प्रकाश मिश्रा और
ताहर सिंह और नाम किसका लिया, जुबेर आलम का, और उस जुबेर आलम के नाम से अपना ही मेल ताहिर अली और ताहिर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा भेजता है और गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष और योगी जी के गलबंदी करने वाला निकलता है। अगर यहीं पर सही में जुबेर निकलता तो आज किस आतंकवादी से जुड़ा होता, चीख चीख के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्लाते देखिए और सारे न्यूज न्यूज वाले चिल्लाते रहते कि देखिए आतंकवादी साठ राम मंदिर उड़ाने का बात कर रहा है, योगी को उड़ाने के बात कर रहा है, स्टीएफ चीफ को उड़ाने के बात, जब खुदा पहाड़ निकली चुहिया, जब अपने ही घर में जाल और हाल और चाल दिख रहा है कि ये मोदी के जितने कुलचे हैं भटूरे हैं सब यही, एक तो अपराधी निकल रहे हैं, रेपिस्ट निकल रहे हैं, ऐसे मेल भेजने वाला निकल रहे हैं, कोई गौरक्षक बन के आ रहा है, कोई हिंदू धर्म रक्षक बन के आ रहा है, कोई आईटी सेल का आ रहा है, यही बलात्कारी क्यों निकलते हैं? बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा, न्याय से हमारा आस्था है, न्याय सर्वोपरि है। गिरफ्तारी होगी क्या महाराष्ट्र की कोर्ट में दोबारा चलाई नहीं होना चाहिए? हम मांग करते हैं, निरंतर मांग किए हैं, ये चुनाव मुद्दा बनाकर जिस तरह से ये लोग गोधरा कांड हुआ उसको दोपाया गया, सारे जितने जैसे योगी बाबा पर कई 35 अपराध था, वो सीएम बनते सारा अपराध मुक्त हो जाता है, जैसे ये लोग कहते हैं हम अपराध मुक्त करते हैं, जिस तरह से कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो जितने भ्रष्टाचारियों का पूरा टीम का सरदार बन जाते हैं मोदी जी, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा पर 20 लाख करोड़ का घोटाला बताते थे, अमित शाह जी इतना बड़ा पोथी दिखाते थे कि उसको मैं सड़ा दूंगा, जेल भेजूंगा, और अजीत पवार को वहां के देवेंद्र फर्नांडीज और मोदी जी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग 70,000 करोड़ का अपराध एंड लुटेरा बताते थे। तो या तो अपराधी लुटेरा ये सब का गैंग कौन बन, गैंग मास्टर हो गए वो, जिसकी जहां रेपिस्टों का भंडार भरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता चिन्मयानंद पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व मंत्री और सेंगर, ऐसे कुपात्रियों का बड़ा टीम बन चुका है भारतीय जनता पार्टी, और बिल्किस बानो जैसा कई नारी कई बेटियां कई बहन न्याय के लिए, चाहे मणिपुर की बेटी हो न्याय चाहती है, जिस तरह से डबल इंजन का एक ट्वीट तक नहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रेप बेटी का हो जाता है, आईआईटी की छात्रा को रात में बोलते हैं योगी जी हमारे यहाँ इतना सुरक्षित महिला है कि रात में 2 बजे निकलेंगी सोने गाने से लत के, किसी तरह उनको कोई टच नहीं कर सकता, जब रेप हो जा रहा है तो टच करने की क्या बात है। स्वामीना जी एक कयास और लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, मायावती को ये उम्मीद करी जा रही कि मायावती एनडीए में न जाकर इंडिया गठबंधन में आए, पर उनकी जो है अखिलेश यादव से सही नहीं बनती, उनको लेकर कटाक्ष होते रहते। देखिए वो अपना वैचारिक पहले भी मायावती जी गठबंधन कर चुकी हैं अखिलेश यादव से और कई बार कर चुके हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहती हैं तो स्वागत है, क्योंकि हमको देश में उस अहंकार से लड़ना है जो रावण के प्रारूप तैयार कर देश को, जिस तरह से देश का तिजोरी खाली कर 205 लाख करोड़ खर्च करने के बाद देश को खोखला भाषण देकर, लोगों को धर्म का अफीम चटाकर, हिंदुत्व के बात कर देश के लोगों को जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति पर लाकर खड़ा कर दिया है, देश में न व्यवस्था है न व्यापकता बना है, देश उधर पुधर हो गया है, देश में एक अंधकार छाया हुआ जा रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, नारी मोदी जी की 4 गारंटी है मालूम है कि नहीं, कहते हैं हम 4 जात को मानते हैं, आपको माध्यम से बता रहे हैं मोदी जी का, मैं पहला बोले कि एक जात महिला है, दूसरा गरीब, तीसरा जात आपको किसान और चौथा जात है युवा, ये चारों ठगे गए इनके, जिसको 4 जात चारों को अपना जात बता रहे हैं, हम लोग हमारा नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारा जाति जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे जिससे जिसका जितने हिस्सेदारी उतना भागीदारी मिलेगी, ये 4 जाति बताएं, महिला का जिस स्मिता लूटी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की हर सरकारों में, मणिपुर से लेकर पूरे हिंदुस्तान के उनके जहां शासन है वहां सबसे ज्यादा असुरक्षित महिला है, पहला उनका जाति और दूसरा युवा, दो भाइयों बहनों परिवारजनों 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, 80 करोड़ अभी भी वैकेंसी खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन इनका 10 साल में 9,27,000 सिर्फ वैकेंसी भरा गया, जिसमें 2 करोड़ प्रति वर्ष बोले थे 20 करोड़ होता है, 9,27,000 वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर, पूरा नौकरी नहीं, आप देखी होंगी आप जिस तरह से ये आर्मी को भी प्राइवेट कंपनी बना दिया गया, अग्निपथ अग्नि योजना ये भी ठगा, वहां के ऑफिसर जब रिटायर होते तो बोलते हैं हमारा मनोपेस्टी नहीं था, हमारा ये प्रोपेगेंडा नहीं था, ये एजेंडा तो मोदी जी का था, भ्रमित करके हमारा नाम देकर
पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम मोदी जी करते हैं, देश के साथ ऋण करके राजनीति सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हो रहा है। तीसरा युवा को बता दिया, महिला किसान डबल आय की बात कहे थे 2022 में दुगनी आय, 770 किसान शहादत होने के बाद आज भी ठगे, उनको MSP लागू नहीं किया गया। किसान भी ठगे, महिला भी असुरक्षित, युवा भी बेरोजगार। अब गरीब, जहां 34 करोड़ गरीब थे 2014 से पहले, अभी 81 करोड़ गरीब हो गए, 140 करोड़ में 81 करोड़ गरीब जो लाइन में खड़े होकर सड़े, यानी 500 रुपया का राशन, उनको कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाओ मोदी जी। महिलाओं की सुरक्षा मुंह से नहीं होती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त कानून बनाकर उनकी सुरक्षा आपसे कराया जाए, आपके पार्टी से कराया जाए, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, NCR के माध्यम से बताना, NCR के सारे देश भर के देखने वाले जनता को बताना चाहता हूँ कि 145 करोड़ जनता के विश्वास, जिस तरह से दो बार प्रधानमंत्री बनाया उस लोकतंत्र में, उन्हीं की सरकार में, उनके बंदों से महिला का सुरक्षा किया जाए, युवाओं को नौकरी दिया जाए, नहीं तो देश 24 में जवाब देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे नाम स्वामीनाथ जायसवाल थे, जिन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के तमाम आरोपियों ने 11 आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, सजा ही नहीं उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए, पर देखना ये होगा महाराष्ट्र कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा और इस पर क्या सुनवाई होगी, क्या बिल्किस बानो को जो कई सालों से अपने लिए न्याय की मांग कर रही है, बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा या नहीं, इस पर नजरें बनी रहेंगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।